Hey students, welcome back, welcome again. So, आज बच्चों बात करने जा रहे हैं dehydration by H2SO4 पे. H2SO4 जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा oxidizing agent है. लेकिन ना सिर्फ ये oxidizing है, ये हमारा एक बढ़िया dehydrating agent है. Dehydration से कहने का मकसद है कि अगर इसको कहीं से water molecule का removal होता दिख रहा है किसी भी reactant से या carbon compound से, तो वहाँ पर से ये water molecule को रिमूव कर देगा. अब इसको समझाने के लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं, उन पर ही ध्यान लगाते हैं. देखिए, पहला केस हमारे पास फॉर्मिक एसिड का. कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? वाटर का रिमूवल करेगा. वाटर कैसे? ये OH ले लीजिए और ये H ले लीजिए. क्या हो गया हमारा? ये हो गया H2O. बाकी हमारे पास क्या बचने वाला है? C और O, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड में से देखिए, ये OH और ये H, ये क्या निकल गया हमारा? H2O. नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है जो लेफ्ट ओवर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, यहाँ पर से क्या बचा? CO2. क्या लिखा हमने? CO2. और यहाँ पर जो बच रहा है, दैट इज CO. तो ये हो गया हमारा CO. बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि ऑक्सैलिक एसिड से हमें क्या मिलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का मिक्सचर. लेकिन फॉर्मिक की बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास है शुगर. ये भी कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया कि जरा ये बताइए कि शुगर को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो वो ब्लैक क्यों हो जाती है. देखिए, सारी गणित लगा लेंगे आप तो आपको पता चलेगा यहाँ से 11 यूनिट निकलने वाले हैं वाटर के, और क्या बचने वाला है? 12 कार्बन, दैट इज ब्लैक. तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारी शुगर ब्लैक हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल. कुछ नहीं करना है, ये OH और ये H निकाला तो क्या बना हमारे पास? CH2 का एल्कीन बन गया. अब ये जो रिएक्शन है, इसमें एक और वैरायटी है कि सर अगर इसको स्पेसिफिक 140 डिग्री सेल्सियस के अराउंड कराया जाए तो फिर जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ईथर, ETOET, दैट इज डाइथाइल ईथर. ये बनेगा 140 पे, अदरवाइज टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप सीधा सीधा एल्कीन को ही मेजर प्रोडक्ट बना दीजिए. इस केस की बात करी जाए तो OH और यहाँ कहीं पे H लगा देते हैं, दैट विल गिव अस दिस एल्कीन, समथिंग लाइक दैट. तो सही बनता भी नहीं है. अरे बन जाओ भाई. और वाटर मॉलिक्यूल फाइनली. तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन बाई H2SO4. लेकिन H2SO4 अकेला डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, इससे भी बेहतर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि अगर आपसे कहा जाए कि H2SO4 में से वाटर निकाल दो तो कैसे निकालोगे? देखिए, H2O अलग किया, क्या बचा? SO3. और ये काम जो कराएगा, जो इससे बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दैट इज P4O10 या P2O5 भी कहा जाता है. सो आई होप यू लव इट. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्यूनिंग.